अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका मेरे किचन में। और आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा। जैसा कि हमने शादियों पार्टी वगैरह में खाया होता है, वैसा हलवा मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी। तो देखिए, ये 3 किलो गाजर थी जिसे मैंने धो करके अच्छी तरह से इस तरह से कद्दूकस करके रख लिया है। तो आइए देख लेते हैं कि हमारे गाजर के हलवे में क्या क्या चीजें जाएंगी। ये मेरे पास दूध है, ये 400 ml दूध है, और ये मीठा इतर है, ये इलायची का पाउडर है, ये शुगर है। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप ज्यादा डाल लें, कम पसंद है तो कम डाल लें। ये 250 ग्राम मेरे पास खोया है, और ये काजू है, और ये थोड़े से बादाम है, और ये देसी घी है। तो चलिए हलवा बनाना शुरू करते हैं। मैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल हलवा आपको बताऊंगी, जैसा कि हमने शादी और पार्टी वगैरह में खाया होता है वैसा हलवा मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए। तो चलिए हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने एक ये पॉट चढ़ा दिया है, ये गर्म हो रहा है। सबसे पहले हम इसमें देसी घी डालेंगे। और इसमें अपनी गाजर को डाल देंगे। ये 3 किलो गाजर है, 3 किलो गाजर का हलवा बना रही हूं मैं। ये लाल वाले गाजर है, देखिए। और इन्हें हल्का सा भूनेंगे हम, थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हुए। कि मैंने एक बड़ा सा पॉट लिया है मोटे तले का, इस तरह से इसे ऊपर नीचे हम कर लेंगे। अभी ये देखने में बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये भुनता जाएगा वैसे वैसे इसकी क्वांटिटी घटती जाएगी, कम होता जाएगा। ये इसे इसी तरह से ऊपर नीचे कर लेंगे, मिला लेंगे इसे। तो देखिए, करीब करीब 2-3 मिनट हो चुके हैं इसे भूनते हुए, और अब ये थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो गया है, और इसका पानी रिड्यूस हो रहा है धीरे धीरे गाजर का। इसे इसी तरह से थोड़ी देर हम और भूनेंगे चलाते हुए। इसी तरह से ऊपर नीचे करते हुए इसे हम भूनते रहेंगे। धीरे धीरे गाजर सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी। तो देखिए, हमारा गाजर का हलवा जो है भुन रहा है, और ये सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। ये 400 ml दूध है, इसमें डाल देंगे ये दूध। मैंने मलाई के साथ ले लिया है, और इसी पॉइंट पे हम इसमें छोटी इलायची का पाउडर डाल देंगे। और इधर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से डाल दिया मैंने। अब इसमें हम थोड़े काजू इसमें डाल देंगे, आधे काजू इसमें डाल देंगे, ताकि ये काजू सॉफ्ट हो जाए। गाजर के साथ साथ ये भी पक जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। और इसी तरह से थोड़े से बादाम डाल देंगे, और बाकी के जो काजू बादाम मैंने बचाए हैं वो हम फ्राई करके लास्ट में गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे। तो इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे रख देते हैं 10 मिनट के लिए, लिड लगा करके। तो मिलते हैं 10 मिनट बाद। तो देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं, और इसे एक बार फिर से हम चला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। देखिए, अच्छा खासा पानी छोड़ा है गाजर ने, इसे मिक्स कर लेंगे। हमारे काजू भी इसके साथ साथ गल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं काजू। फिर से इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो देखिए, 10 मिनट और हो चुके हैं, और गाजर हमारी लगभग लगभग गल चुकी है अच्छी तरह से, देखने से ही आपको लग रहा होगा। और अब हम इसमें शुगर डालना शुरू करेंगे। सारी हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, और इसे मिक्स करते जाएंगे इस तरह से।
तो देखिए इसमें थोड़ी सी शुगर मैंने पहले डाली थी और मेल्ट हो चुकी है वो, अब थोड़ी और डालेंगे। इसी तरह से 3-4 बार में करके हम अपनी शुगर को डालेंगे इसमें और इसे भूनते जाएंगे। फ्लेम मेरी फुल पे है चूल्हे की, इस तरह से। देखिए शुगर डालने से ये थोड़ा पानी और छोड़ेगा, तो इसलिए फ्लेम को आप फुल पे रखिएगा ताकि साथ साथ पानी भी रिड्यूस होता जाए। हलवाई लोग इसी तरह से हलवा बनाते हैं, जो शादी और पार्टी वगैरह में हम हलवा खाते हैं वो इसी तरह से बनाया जाता है। अब इसमें जो बाकी शुगर है वो भी हम डाल देंगे। मीठा आप अपने हिसाब से रखिएगा, जैसा आपको पसंद हो कम ज्यादा, और इसे भी मिक्स करेंगे चलाते हुए। देखिए सारी शुगर हमारी मेल्ट हो रही है और पानी भी छूट रहा है। इसी पानी में हमें इसे फुल फ्लेम पे बिल्कुल भून लेना है। गाजर हमारी गल चुकी है बिल्कुल, इसमें हम देसी घी डाल डाल करके इसकी भुनाई करते रहेंगे। देसी घी डालने से इसमें कलर भी अच्छा आएगा, शाइनिंग भी आएगी गाजर के हलवे में हमारे। और इसी तरह से इसे फ्लेम फुल करके हम भूनते रहेंगे। सारा पानी हमें इसका ड्राई कर लेना है, जो भी शुगर का छूटा है इस तरह से। तो देखिए काफी हद तक पानी इसका रिड्यूस हो चुका है और अब हम इसमें खोया डालेंगे। आधा खोया मैं यहाँ डाल दूंगी इसके साथ और आधा हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। अभी इसे हमें काफी भूनना है, अभी ये भुना नहीं है सही तरह से, अभी इसमें टाइम लगेगा। खोया मैंने अभी आधा यहाँ डाल दिया है और इसके साथ मैं इसे भूनूंगी, इससे और भी अच्छा टेस्ट आता है गाजर के हलवे का। बाकी खोया हम गार्निशिंग में यूज करेंगे, देखिए। और इसमें देसी घी और डालेंगे और देसी घी डाल डाल करके हम इसे भूनते रहेंगे इस तरह से, भूनते रहेंगे। घी डालने से इसका टेस्ट तो बढ़ेगा ही, साथ में इसका कलर भी अच्छा होता जाएगा। इस तरह से इसे भूनते रहेंगे। देखिए अब हम इसमें तीसरी बार ये घी डाल रहे हैं और इसी तरह से ये सारा घी हमें यूज कर लेना है। घी थोड़ा इसमें ज्यादा जाता है गाजर के हलवे में, हम शादी और पार्टी में जो हलवा बनता है उस तरह से बना रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा जा रहा है। आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और इसे घी डाल डाल करके मैं भूनती रहूंगी, ठीक है। इसी तरह से चलाते हुए हमें भूनते रहना है। और देखिए ये इस तरफ मैं थोड़ा सा खोया जो मैंने बचा लिया था गार्निशिंग के लिए उसे मैं थोड़ा सा भून ले रही हूँ हल्का सा, ताकि ये खराब ना हो हमारा गाजर का हलवा, कुछ दिन चल जाए 2-4 दिन तो कच्चा खोया सही नहीं रहेगा, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा भून ले रही हूँ। और बाकी खोया जो मैंने गाजर के साथ डाला था वो तो गाजर के साथ भून ही रहा है, इसे भी मैं हल्का सा भून लूंगी। तो देखिए खोया हमारा भून चुका है, इसे बहुत ज्यादा हमें नहीं भूनना है, इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है, कलर हमें इसे ऐसा ही रखना है इसका। तो खोया हमारा भून चुका है, अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। तो देखिए मैं इसे लगातार भून रही हूँ और अब ये लास्ट चम्मच घी बचा है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से और इसे भून लेंगे। जितना अच्छा आपने हलवे को भूना होगा हलवे का टेस्ट उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, इसका पानी जितना भी होगा बिल्कुल ड्राई कर दीजिएगा, जला दीजिएगा पानी को और इसे बहुत अच्छी तरह से भूनिएगा, तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। हलवा जितना अच्छा भूनता है उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो मैं इसे अभी थोड़ी देर और भूनूंगी इसी तरह से चलाते हुए। काफी हद तक ये भून चुका है लेकिन ये भी थोड़ा सा इसे और भूनना है, जो थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर और है, अभी पानी थोड़ा और है, वो भी मैं बिल्कुल जला लूंगी। तो देखिए लगातार भूनते हुए मुझे कम से कम 15-20 मिनट और हो चुके हैं इसे और हमारा हलवा बनकर के तैयार है। आप देख सकते होंगे कि यहाँ साइड में घी दिखाई दे रहा है कि ये इसकी पहचान है कि हलवा भून चुका है और एक जगह इकट्ठा भी हो रहा है, देख रहे होंगे आप। बहुत अच्छी तरह से हमारा हलवा भून करके तैयार हो गया है और अब हम इसमें थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप मीठा इतर की डालेंगे।
देखिए हलवा हमारा बन करके तैयार है। मिठाई का डाल करके मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है और बन करके तैयार है हमारा बहुत ही बेहतरीन हलवा। और फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी और आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो लीजिए, बन करके तैयार है हमारा गाजर का हलवा, बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसी मेथड से अपने घर में इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली और फ्रेंड्स में और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।